पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वहां एक बार फिर दर्दनाक विस्फोट हुआ है। दहशतगर्दों ने इस बार ये धमाका बलूचिस्तान में किया है। पाकिस्तान के पाले ये आतंकी उससे खुद नहीं संभल रहे। आए दिन वहां सेना और पुलिस पर आतंकी हमले हो रहे हैं। आज ये धमाका बलूचिस्तान में पुलिस वैन पर हुआ। इस हमले में 9 पुलिस कर्मियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। वहीं विस्फोट में 13 से ज्यादा पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया डॉन न्यूज के मुताबिक अटैक बलूचिस्तान के बोलन इलाके में हुआ। पुलिस वैन बलूचिस्तान के सिबी से क्वेटा लौट रही थी। इस बीच जब वैन काची सीमा से लगे कमरी पुल पर पहुंची तो अचानक धमाका हो गया। इलाके के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायलों को नजदीकी सिबी सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया है। बम निरोधक दस्ते के साथ कई सुरक्षा कर्मी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि बलूचिस्तान की जिस कांस्टेबुलरी पुलिस पर यह हमला हुआ है उसका काम जेलों और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा प्रदान करना है। फिलहाल किसी ने भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। बता दें कि पाकिस्तान में नवंबर 2022 में तहरीके तालिबान पाकिस्तान और सरकार के बीच बातचीत टूटने के बाद से हमलों में तेजी आई है। हाल ही में 17 फरवरी को पाकिस्तान की कराची में भी एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था। आतंकी कराची पुलिस मुख्यालय में घुस गए थे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। कराची पुलिस मुख्यालय में घुसे इन आतंकियों के पास भारी विस्फोटक और हथियार थे जिनसे ये लगातार हमला कर रहे थे। हालांकि कराची पुलिस मुख्यालय में घुसे इन सभी आतंकियों को पाकिस्तानी रेंजर्स ने बाद में ढेर कर दिया था। इस हमले में 3 आतंकियों के ढेर होने के अलावा एक पुलिसकर्मी सहित 3 लोगों की मौत हुई थी जबकि 11 लोग घायल हुए थे। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इससे पहले पाकिस्तान की सरकार ने प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP पर लगाम लगाने के लिए अफगानिस्तान से दखल देने की मांग की थी। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक पेशावर में शीर्ष समिति की बैठक हुई थी, हालांकि बात नहीं बन पाई क्योंकि तालिबान भी समझ चुका है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस कंगाली के दौर में है वो जमीनी स्तर पर युद्ध कर ही नहीं पाएगा और अगर वो ऐसी गलती करता है तो उसके खुद के पाले TTP के आतंकी उस पर भारी पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।